अच्छा, अब क्या कोई नेचुरल तरीके है कि प्रोस्टेट की ग्रोथ को रोक सके, या प्रोस्टेट अगर ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर सके या कंट्रोल कर सके? तो सबसे पहले तो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। बेसिकली एक जो रिजल्ट है वो कहता है कि प्रोस्टेट में इसलिए ग्रोथ होती है, हार्ट है। आप अगर एक्सरसाइज ना करो, स्मोकिंग करो, हार्ट में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट के अंदर होता है फेलियर। तो सेम थ्योरी कहती है कि प्रोस्टेट के अंदर भी ब्लड सप्लाई है, अगर ब्लड सप्लाई में कोलेस्ट्रॉल जमता है तो प्रोस्टेट ग्रोथ करता है फेलियर के रूप में। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेशली कार्डियो, मतलब 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक, और कीगल्स, कीगल्स मतलब जो प्रोस्टेट के नीचे के रास्ते को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज होती है, तो कीगल एक्सरसाइज के ऊपर हम एक फ्री सेमिनार करेंगे अगले महीने, मैं डालूंगा फेसबुक पे, तो आप अटेंड कर सकते हैं। तो एक आएंगे ट्रेनर, वो सिखाएंगे कैसे करते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज में बेसिक तीन एक्सरसाइज होती है, एक होता है डंड स्क्वाट्स, अगर आपके हिप्स ठीक है, नीज ठीक है तो आप ये कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा होता है बट लिफ्ट, बट लिफ्ट मतलब ज़मीन पे लेट के कमर को ऊपर उठाना। ये दोनों एक्सरसाइजेज हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रोस्टेट के रास्ते को ओपन करती है। पर ये एक्सरसाइजेज मतलब अंडर, मतलब केयरफुली करें, मतलब कोई अपनी स्पाइन हिप नीज को डैमेज नहीं करना। अच्छा, लूज वेट बहुत ज़्यादा प्रोवन है। अगर आपका वेट हाई है और अपना वजन 5 से 10 किलो कम कर लेते हैं तो आपका प्रोस्टेट का साइज़ भी कम हो जाएगा, आपकी यूरिन प्रॉब्लम भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वेट से बनता है इस्ट्रोडायोल, इस्ट्रोजन, वो प्रोस्टेट को ग्रो कराता है। तो अगर आप 5 kg वेट कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल नोटिस पेशाब बेटर आएगा, प्रोस्टेट का साइज़ भी आपका कम हो जाएगा बिना किसी मेडिसिन के। स्मोकिंग, एल्कोहल, गुटखा, टबैको, आई थिंक लेता नहीं यहाँ पर कोई, पर लेता है तो उसको बंद करना चाहिए। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन, अगर ये जो नसें है प्रोस्टेट की और पॉटी की, ये कॉमन होती है, अगर पॉटी ठीक से नहीं हुई है तो प्रोस्टेट भी तंग करेगा। तो कई मरीज हैं जिनको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की होती है बट यूरिनरी के सिम्टम लेके आते हैं। तो अगर आप अपनी कब्जी कंट्रोल कर लेंगे तो यू विल पास यूरिन वेरी वेल। कब्जी के लिए पानी पे नहीं जोर देना, कई लोग मैंने देखे हैं जो सुबह 4 लीटर पानी प्रेशर बनाने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। दो प्रॉब्लम है उसकी, पहली प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा पानी किडनी से फिल्टर होना है, किडनी विद एज इतना पानी फिल्टर नहीं कर सकती, तो सुबह पानी एक्स्ट्रा पी के प्रेशर बनाने वाला जो सिस्टम है वो नहीं। कुछ लोग होते हैं सुबह जाकर स्मोकिंग करते हैं उसके बाद प्रेशर बनता है, वो मतलब इज़ नॉट ए हेल्दी हैबिट। 2.5 लीटर से 3 लीटर पूरे दिन में, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट वही है, मॉर्निंग में एक साथ पानी जो है ना वो हेल्दी नहीं है, जो आपकी हैबिट बना रखी है लोगों ने हैबिट के ऊपर है। पर साइंस तो ये बोलती है, आप जैसे सुबह पी लिया बहुत पानी, दिन भर पी नहीं रहे, उस वाला पानी निकल जाएगा 1-2 घंटे में, बॉडी निकाल देगी, बाकी पूरे दिन आप डिहाइड्रेटेड हो, पूरे दिन आपकी बॉडी में पानी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट वाटर टुगेदर, उसको आप थ्रू आउट द डे अगर डिवाइड करेंगे तो इट इज़ मच हेल्दियर देन हैविंग मॉर्निंग वाटर। कि सुबह पानी पी के प्रेशर बनाते हैं लोग, पॉटी भी करते हैं, फिर पेशाब भी करते हैं 10 बार, वो लगता है कि बहुत हेल्दी है, फिर पूरे रात को परेशान रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। मॉर्निंग में जो टी लेने की आदत है, टी कॉफ़ी इज़ ओके, मतलब इट्स ओके, मतलब टी कितना है, 100 ml चाय होती है, कितनी चाय होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर इनटेक पे जोर दे, इसबगोल जो है वो एक अच्छा डायट्री सॉफ्टनर है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। इसबगोल की भूसी अगर आप 2 चम्मच दिन में 2 बार लेते हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू एनी हार्म, वो फाइबर है, वो रेगुलर ले सकते हो, तो उससे आपका बाउल मोशन रेगुलर हो जाएगा। मतलब कई लोगों की हैबिट होती है सुबह गए फिर लंच के बाद गए फिर, तो एक रेगुलर बाउल मोशन जो होती है वो ज़रूरी है। आप 2 बार जाओ और 2 बार सेम टाइम पे जाओ तो वो एक हेल्दी हैबिट है। ब्लड शुगर, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका HbA1c ठीक होना चाहिए, बीपी ठीक होना चाहिए, डाइट, सॉल्ट और लाल मांस, नॉनवेज तो जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, खाते भी हैं तो रेड मीट अवॉइड करना है, और नमक। तो सॉल्ट हर चीज़ के लिए ख़राब है, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए भी, तो जनरली आपने सॉल्ट नहीं लेना। अगर सॉल्ट लेना है तो जितना खाने में उतना ही लेना है, ऊपर से सॉल्ट डालना, ऊपर से एक्स्ट्रा अचार लेना, वो सब आपको 1 टीस्पून इज 1.5 टीस्पून इज इनफ, बट डैट शुड बी जो खाने में पड़ता है, ऊपर से नहीं डालना। अच्छा, वाटर इनटेक 2-3 लीटर्स इज एडिक्वेट। क्यों? क्योंकि आपके साथ में आपकी बॉडी भी ओल्ड हो रही है, किडनी भी ओल्ड हो रही है, ब्लैडर भी ओल्ड हो रहा है, ब्लैडर भी 50 साल का है,
तो 50 साल के ब्लैडर को आप 10 लीटर पानी पिला के पेशाब कराओगे तो वो थक जाएगा, रेस्ट चाहिए उसको। तो 2 से 3 लीटर पानी दिन में बहुत है, ब्लैडर को रेस्ट दीजिए। ज़्यादा पानी आपके हार्ट पे जोर डालता है, क्योंकि वो पानी चढ़ेगा, ब्लड बढ़ाएगा, वो आपके किडनी पे जोर डालता है, आपके ब्लैडर पे जोर डालता है। तो ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी 50 ईयर्स के बाद इज़ नॉट हेल्दी। फैट इनटेक फॉर प्रोस्टेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, गुड प्रोटीन्स। तो बेसिकली सब चीज़ों में अगर आप देखा जाए तो 3 चीज़ें बताइए मेन। कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल करे, पानी का इंटेक कम करे, सॉल्ट कम करे और हेल्दी वेट। तो ये 4 चीज़ों के अंदर ही आपको काफ़ी रिलीफ प्रोस्टेट में मिल जाएगा। और सप्लीमेंट्स, गैस एसिडिटी मतलब वही पेट साफ नहीं हो रहा अगर सब, तो लिंक तो उसी से है, पर अदरवाइज गैस एसिडिटी के लिए बहुत सारे फिलोसफी है। अब मैं गैस्ट्रोन्यू में यूरो पढ़ते तो हम भी है, बट फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा लंबा। अच्छा, सप्लीमेंट्स बहुत सारे आजकल आप देखते हो, ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट। तो ये सप्लीमेंट वो है लिस्ट जो हम लोग चंडीगढ़ पीजीआई में देते थे। ये सप्लीमेंट पिछले 10 साल से लिस्ट बनी हुई है। ये वो सप्लीमेंट है जिनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस है, मतलब कोई साइंस है इसके पीछे, कोई स्टडी है। तो इनमें से अगर कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो, पर मतलब कितना काम करेंगे वो कह नहीं सकते, पर ये वर्क करते हैं। वाइटामिन डी अगर आपका कम है चेक कराओ, ठीक कराओ। वाइटामिन B12 कम है तो ठीक कराओ। एक्स्ट्रा लेने का रोल नहीं है कोई, ज़बरदस्ती पंप करने का रोल नहीं है, अगर कम है तो उसको ठीक करेंगे। जिंक, जिंक प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा मिनरल है, तो जिंक जो है आप ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है जिंक में, जिंक एनिमल प्रोटीन है, एनिमल में मिलता है। इंडिया में इतना एनिमल खाते नहीं कोई, हम मैक्सिमम चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो इंडियंस में जिंक हमेशा कमी रहता है। तो जिंक का रिलेशन है हेयर फॉल से एज वेल एज प्रोस्टेट से, तो आप जिंक ले सकते हो, हेल्दी है। वाइटामिन सी, अच्छा सेलेनियम, तो जिंक और सेलेनियम दोनों ऐसे हैं जिनका रोल पाया गया है प्रोस्टेट को श्रिंक करने में। तो अगर आप जिंक और सेलेनियम लेते हैं और आपके अर्ली सिम्टम्स है अभी, तो वो प्रोस्टेट में आपको हेल्प करेगा। फिर वाइटामिन ई और लाइकोपीन, मतलब मिसली, तो इसमें आपको कुछ लेना ही है तो वाइटामिन डी, वाइटामिन B12 आप अपना नपवाए, नपवा के अगर कम है तो उसको पूरा कराए। जिंक और सेलेनियम की गोली आती है, छोटी सी गोली है, वो आप ले सकते हो। वाइटामिन सी आप फ्रूट्स में लो, और वाइटामिन ई और लाइकोपीन के लिए मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर ये दो है जो काम करते हैं, एक तो सौ पालमेटो है। सौ पालमेटो आजकल बहुत मार्केट में मिलता है न्यू BPH के नाम से। ये एक प्लांट है जो बेसिकली प्रोस्टेट साइज को कम करता है, बट इसका साइड इफेक्ट है कि अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी है तो ये आपकी सेक्स लाइफ भी कम करेगा, क्योंकि ये बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन को डाउन करता है। दूसरा है सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर भी होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन। तो जो बहुत ज़्यादा सोयाबीन लेते हैं, सोया चाप लेते हैं, उसके अंदर भी प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं आती, बट अगेन ये भी आपको जो है सेक्स प्रॉब्लम कॉज करेगा। अच्छा, क्या आयुर्वेद में कुछ है जो काम करता है? तो आयुर्वेद में ये बहुत कुछ होता है, और उसमें जो दो चीज़ें जो काम करती है वो एक है कॉर्न सिल्क, ठीक है, और ये MRK के नाम से आता है, मिलता है मार्केट में, और एक आता है गोक्षुरा। गोक्षुरा और धनिया कॉम्बिनेशन आता है, DGG बोलते हैं इसको, ये भी मिलता है मार्केट में। ये दोनों